तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइज, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, ना ही टिप्स एंड ट्रिक्स, ना ही गन कंपैरिजन, ना ही एडवांस सर्वर का अपडेट और ना ही गेम प्ले। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या गेम के अंदर रहने वाली सबसे ओपी चीज गन स्किन्स अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखना और मैक्सिमम ऐसे बंदों के साथ इस वीडियो को आपको शेयर करना है जिन बंदों के पास गन के स्किन्स नहीं है, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि गन स्किन के बिना खेलना पॉसिबल ही नहीं है, आप अच्छा खेल ही नहीं सकते अगर आपके पास गन स्किन नहीं है। तो आज मैं एक बहुत सेंसिटिव और बहुत ही सॉफ्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। तो आई होप कि इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे, अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है आपको पता ही है, नीचे एक अंगूठे का बटन बना हुआ है, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन भी बना हुआ है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं गन स्किन के एट्रीब्यूट्स की। तो आपको पता ही होगा कि फ्री फायर के अंदर दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बहुत भयंकर माने जाते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है रेट ऑफ फायर का, जो कि सबसे ओपी एट्रीब्यूट है। उसके बाद जो दूसरा खतरनाक वाला एट्रीब्यूट है उसका नाम है डैमेज। मतलब कि अगर कोई ऐसी गन है जिनके अंदर ये दोनों एट्रीब्यूट है तो वो गेम की सबसे बेस्ट गन हो जाती है। आप कोई भी गन स्किन देख लो, चाहे वो इवॉल्विंग वाली गन स्किन हो या फिर अब तक जो सबसे ओपी ट्रेंडिंग में रहने वाली गन स्किन हो, आप टाइटन कार से, क्यूपिड कार से, मैगाडोलन कार तक देख लो या फिर ड्रैगो एके से ड्रैगन एके तक देख लो, सब में आपको यही दो एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बंदे ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास डबल डैमेज वाली स्किन है तो मैं सामने वाले बंदे को जो गोली मारूंगा उसके सामने वो मुझे जो गोली मारेगा मेरा डैमेज उसके ऊपर डबल होगा। एक्चुअली में ऐसी चीज नहीं होती है। मैंने बहुत सारे गन कंपैरिजन के वीडियोस बना रखे हैं और उन गन कंपैरिजंस के वीडियो के ऊपर से मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास बहुत सारे गन स्किन है, मतलब जितनी मैक्सिमम ट्रेंडिंग गन स्किन है ना, मैक्स टू मैक्स मेरे पास है। और उन गन स्किन को यूज करने के बाद मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूं कि अगर आपके पास अच्छे से अच्छी भी गन स्किन क्यों ना हो, आपके एट्रीब्यूट्स मैक्स टू मैक्स 20% एनहांस होते हैं। 20% से ज्यादा आपको एनहांसमेंट का एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता है। अब इन 20% को आप एक्चुअली में स्किल से ओवरकम कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास गन स्किन है तो आपको फायदा नहीं होगा, फायदा होगा, आपने पैसे दिए हैं तो उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा। पर अगर आपके पास गन स्किन नहीं है तो उसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं होता है कि आप नहीं खेल पाओगे। यहाँ पर बहुत सारे बंदों का ये सोचना होता है कि भाई मेरे पास जो गन स्किन है वो अच्छी नहीं चलती है, या फिर सामने वाले बंदे के पास अच्छी गन स्किन थी इसलिए वो मेरे को मार के चला गया। तो चलो, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर ये एप्लीकेबल होता है, मगर हर सिचुएशन भी ऐसी नहीं होती कि जिनके अंदर ये एप्लीकेबल हो। अगर एक प्रोफेशनल प्लेयर के तरीके से मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि जितनी भी ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होती है उन टूर्नामेंट्स के अंदर आपको गन स्किन एट्रीब्यूट्स यूज करने नहीं दिए जाते। आप जो ड्रोन वाला कस्टम देखते हो, जो आपको लाइव स्ट्रीम में दिखता है, जो मैक्सिमम टूर्नामेंट्स आप कमेंट्री वाली जब भी देखते हो, जैसे कि अभी ही गरीना की एक टूर्नामेंट हुई थी फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज वाली, ठीक है, जिसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो ऐसी जब गरीना ऑफिशियल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होस्ट करता है तो उन टूर्नामेंट्स के अंदर जो कस्टम यूज होते हैं उसमें एक स्विच आती है जिसमें आता है गन एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन। मतलब कि आप गन के एट्रीब्यूट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हो। और जितनी भी प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स होती है जो कि मेनली ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो करवाते रहते हैं, जैसे कि मैं फ्रोलिक ई स्पोर्ट्स का मेंबर हूं, तो अगर आपको ई स्पोर्ट्स खेलना है तो फ्रोलिक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ई स्पोर्ट्स खेलना है या फिर ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है। तो अगर कोई ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन गन स्किन ऑफ करके टूर्नामेंट करवाता है तो वो टूर्नामेंट फेयर होती है, क्योंकि हर बंदे के पास गन स्किन हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो सबकी गन स्किन के एट्रीब्यूट बंद हो जाते हैं, तो सबकी गन सेम डैमेज देगी, सबकी गन सेम रेट ऑफ फायर पे चलेगी। तो अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हो तो मैं आपको जरूर से ये एडवाइस दूंगा कि आप गन स्किन से कम खेलो। मतलब कि आप फ्री टाइम में गन स्किन से खेलो, मगर जब आप टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो ना तब आप बिल्कुल गन स्किन का यूज ना करो। आपको पता होगा कि फ्रोलिक स्पोर्ट्स की जो लास्ट सीजन हुई थी उसके अंदर फ्री गेमिंग की टीम चैंपियन बनी थी, और उसके अंदर हमारे जो प्लेयर्स थे अर्पित और वो, और अर्पित की जो स्क्वाड है वो जब भी टूर्नामेंट की प्रिपरेशन करती है, जिनके साथ मैंने एक Q&A वीडियो बनाया है, वो मेरी दूसरी चैनल पे, वो मैंने नीचे पिन कमेंट में डाला है, आप जाके चेक कर सकते हो कि ई-स्पोर्ट्स प्लेयर किस तरह का सोचता है, किस तरह का खेलता है। तो अगर आप एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो ना तो आपको प्रैक्टिस करनी है विथाउट गन स्किन, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप गन स्किन के साथ प्रैक्टिस करोगे और फिर जब आप टूर्नामेंट खेलने जाओगे और आपके गन में से एट्रीब्यूट्स निकल जाएंगे, तब होगा क्या
कि आप अगर डबल एक्यूरेसी वाली गन्स की यूज़ कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, अगर आप डबल रेट ऑफ़ फायर वाली गन्स की यूज़ कर रहे हो तो आपका रेट ऑफ़ फायर कम हो जाएगा, और उसकी बदौलत आपका जो शूटिंग एक्यूरेसी, आपका जो डैमेज देने की एबिलिटी, आपकी जो ड्रैग हेडशॉट और बाकी सब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी चेंज होगी, वो आप जब खेलोगे तब आपको पता चलेगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक कैजुअल प्लेयर हो, अगर आप गेम को फन की तरह लेते हो तो आप इन चीज़ों में बिलीव करो, और अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बी एन ई स्पोर्ट्स एथलीट इन फ्यूचर और नाउ और वेन एवर, तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलवेज अपने स्किल्स जो है उसे बढ़ावा देना है, क्योंकि आपके स्किल दुनिया की किसी भी गन स्किन से ज़्यादा खतरनाक है और वो कैसे भी बंदे को हेडशॉट या वन टैप से मार सकते हैं। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई ना भाई, उसके ऊपर आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और कभी भी गाइज छोटा मत सोचो, मतलब ऐसा मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और अगर आप उसको कर देते हो ना, तो भाई आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अभी आप जिस फ़ोन में वीडियो देख रहे हो ना, उस फ़ोन में जितनी रैम है उससे 100 गुना कम रैम के अंदर नासा मून के ऊपर लैंड हुआ था, ठीक है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, मेहनत करो, अपने स्किल हार्नेस करो और आप सबसे बेस्ट बन सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है आपको क्या करना है आपको पता है, और मैं यह चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक पहुँचे ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उनको पता चले कि अगर हम एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है तो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।